इसकी 111 फीट ऊंचाई है और 250 फीट की लंका बनेगी, जो तैयार है वो कल खड़ी हो जाएगी। और इसमें हाथी पर बैठ के राम लक्ष्मण हनुमान जी इसका वध करेंगे। मुंह और आंखें इसकी स्वचलित रहेगी और मऊ नाके से शोभा यात्रा राम लक्ष्मण हनुमान जी की आएगी और खेमा इंडस्ट्रीज द्वारा शाम 6 बजे से आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। संस्था सुनमन द्वारा इंदौर में श्रीकृष्ण टॉकीज के ठीक सामने नगर निगम रोड पर हम पिछले 22 वर्षों से रावण का दहन करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 8 वर्षों से हमने सामाजिक बुराइयों का दहन करना शुरू कर दिया। इस वर्ष सामाजिक बुराई को हमने गुरमीत सिंह ईसा और फर्जी बलात्कारी संत बाबा का रावण का दहन का योजना बनाई है। दशहरे पर 30 सितंबर को दशहरे पर रात्रि 8:30 बजे इस रावण का दहन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि संत समाज ने हमें इस रावण को जलाने का समर्थन किया है और महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा इस रावण का दहन करेंगे। साथ ही विश्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित जोगेन महन जी भी समर्थन दे रहे हैं। उद्देश्य हमारा यह है कि जिस प्रकार से रावण ने माता सीता का, सीता माता भी इंसान रूप में स्त्री थी, तो सीता माता का जो स्त्री का अपमान किया था तो उनका रावण के रूप में रावण का दहन कर दिया गया था या रावण का वध करके रावण जलाने की परंपरा चालू हुई भारत देश में। उसी प्रकार गुरमीत ईसा जो जेल में बलात्कार में बंद है, जिन्हें सजा भी हो रखी, उन्होंने भी एक स्त्री का बलात्कार का अपमान किया। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे फर्जी संत और ऐसे बाबाओं का कम से कम रावण दहन जीवित रूप में करें तो कम से कम उनमें एक साइन जाना चाहिए, एक मैसेज जाए, एक संकेत जाए शहर में कि कम से कम ऐसे करने वालों का ऐसा हासिल भी हो सकता है।